पति की मृत्यु के बाद घर के खर्चे की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ चुकी थी। बस एक घर यही पति का अपना था जहां मैं बच्चों के साथ रहती। मैं बहुत ही पढ़ी लिखी थी इसलिए शादी से पहले भी जॉब करती थी, इसीलिए बहुत जल्द नौकरी तो मुझे मिल गई थी। लेकिन परेशानी यह थी कि मेरे बच्चे बहुत ही छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा 4 साल का था और छोटी बेटी तो बस 8 ही महीने की थी। छोटे बच्चों को मैं अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती थी और अगर मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाती तो मुझे नौकरी ना मिलती, क्योंकि मेरी नौकरी ऑफिस के काम की थी जहां बच्चों को लेकर जाना मेरे लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। आजकल के दौर में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। इस शहर में मैं किसी को भी ज़्यादा जानती नहीं थी। गोपाल से मेरी शादी प्रेम विवाह था। मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा करके गोपाल से शादी की थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने कह दिया था कि अब हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैं वहाँ नहीं जा सकती थी और गोपाल का कोई था नहीं। मैं बिल्कुल बेसहारा सी हो गई थी। कुछ दिन मैं यही सोचती रही कि मैं इस मामले का क्या हल निकालूं। मैंने अपनी पड़ोसन से बात की जो मेरी दोस्त थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह भी ऑफिस में ही जॉब करती थी। उसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में लगवाई थी। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चों का क्या करूं, तो वह कहने लगी कि एक ऐसे 14 साल के किन्नर बच्चे को जानती हूं जो बच्चों को संभालने का काम करता है। मैंने यह भी सुना है कि वह भरोसे करने के लायक है। तुम कहो तो मैं उससे कह देती हूँ। किन्नर का नाम सुनकर मैं कुछ हैरानी का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि एक किन्नर कैसे मेरे बच्चों की परवरिश कर सकता है। तुम जानती हो कि यह कुछ सालों की बात नहीं है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते मुझे तो नौकरी करनी है, और तुम तो जानती हो कि किन्नर किस तरह के होते हैं। मैं अब तक गली मोहल्ले और शादियों में नाचने वाले किन्नर ही देखे थे, और जैसे उनकी चाल ढाल होती है जाहिर है मेरे बच्चे अगर उनसे पर्व में, तो यह सुनकर ही सुन हो गई थी। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं किसी भी किन्नर को अपने बच्चे हवाले नहीं कर सकती। मेरी सहेली कहने लगी कि एक बार तुम उससे मिल तो लो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा कि ठीक है, तुम उसे बुला लो, मैं उसे देखती हूँ। अगर वह वैसे ही लगा जैसे मैं के गली मोहल्ले की घूमते हैं तो मैं बिल्कुल भी अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उसे नहीं दूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। मेरी सहेली हंसने लगी, कहने लगी, तुम उससे मिलोगी तो हैरान रह जाओगी। फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने उसे देखा तो मैं सच में यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह वाकई ही कोई किन्नर है। उसने जानना लाइट कलर की शलवार कमीज पहन रखी थी, सिर पर दुपट्टा भी अच्छी तरीके से ले रखा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेकअप से साफ था, बिल्कुल सादगी में था, और चेहरे का नाक नक्श और बनावट बिल्कुल लड़कियों जैसी थी, और उसकी बात करने का अंदाज़ा इतना धीमा था। सबसे बड़ी बात कि वह बहुत कम पैसों पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। इसके अलावा घर का खाना बनाना और साफ़ सफाई हर चीज़ वह जानता था। 14 साल की उम्र में भी ऐसे बात करता था जैसे कोई बड़ी उम्र का समझदार व्यक्ति करता है। मैंने कहा कि अगर मुझे उसका काम पसंद आया तो मैं उसकी सैलरी और बढ़ा दूंगी। इस पर मैंने उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। वह कहने लगा, यह तो आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे साथ पैसे के मामले में ऐसे ही करेंगी तो फिर मैं भी जी जान लगा दूंगा। मुझे वह किन्नर हर तरफ से ठीक लग रहा था। जहाँ मेरी नौकरी लगी थी वहाँ मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का ख्याल भी अच्छे तरीके से रखा जाए। जब उसने यह बताया कि उसकी पढ़ाई भी 10वीं तक है तो मैं यह सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके बड़े बच्चे को पढ़ाना भी सिखा दूंगा। मेरी तो बहुत सी परेशानी उसने एक पल में ही हल कर दी थी। मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें घर के अंदर लॉक करके ही जाऊँगी। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं घर की ज़रूरत का हर सामान घर पर रख चुकी थी, इसीलिए घर पर ताला लगाया और बाहर चली गई। मैं फ्लैट में रहती थी इसीलिए मैं दरवाजे के अलावा घर से बाहर निकलना नामुमकिन सी बात थी। पहले दिन तो ऑफिस में मुझे सारा दिन घर का ही ध्यान लगा रहा। जब मैं घर पहुंची तो घर का नक्शा देखा तो मैं उस किन्नर की तारीफ किए बिना ही नहीं रह सकी। मेरा घर शीशे की तरह साफ था, बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, किचन में खाना तैयार था, किचन भी चमक रही थी। इस किन्नर के हाथों में जैसे जादू था। मैंने खाना खूब पेट भर कर खाया था। वह बच्चों को बहलाने के खूब तरीके जानता था। खिलौनों से, बातों से वह मेरी छोटी बेटी को गोद में उठाए झूला देकर उसने उसे भी सुला दिया था। मेरे फ्लैट में एक एक्स्ट्रा कमरा थी जो मैंने गेस्ट रूम के तौर पर रखा हुआ था।
वही मैंने उस किन्नर को दे दिया था। एक हफ्ते में ही मैं उस पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि मैंने उसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी, बस एक परेशानी थी। वह उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन था बड़ा समझदार। मुझे ऑफिस में अपने काम से अपने बॉस का दिल जीतना था, क्योंकि उसने कहा था कि 6 महीने में अगर उसे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो वह मेरी सैलरी भी बढ़ा देगा। इसीलिए मैं जी जान से ऑफिस का काम कर रही थी। घर आकर भी मैं खाना खाती और लैपटॉप पर लेकर बैठ जाती। आज भी मैं हॉल में ही लैपटॉप पर काम में बिजी थी कि जब सामने टेबल पर एक कॉफ़ी का कप रखने की आवाज़ पर मैं चौंकी थी। जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वह किन्नर खड़ा था। उस वक्त उसने ढीला ढाला मर्दाना कुर्ता पजामा सा पहना हुआ था। इस वक्त मैं दिमागी तौर पर थकी हुई थी। मुझे वाकई में उस वक्त कॉफ़ी की इच्छा थी। अब मैं सोच ही रही थी कि थोड़ा सा काम और करके अपने लिए कॉफ़ी बनाऊंगी। बहुत धन्यवाद, मुझे इस वक्त कॉफ़ी की ही ज़रूरत थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे पता है जब दिमागी काम करे तो कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस होती है। मैंने कहा, तुमने अपने लिए नहीं बनाई? तभी वह कहने लगा, नहीं मैडम जी, मुझे ऐसे अमीरों वाले शौक नहीं हैं। मैंने जब उसे ज़मीन पर बैठा देखा तो मैंने कहा कि तुम ऊपर आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम जन पर मत बैठो करो। वह कहने लगा, आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा, क्या? मैं साथ साथ में कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी ले रही थी। उसने बहुत जायकेदार खाने बनाए थे और कॉफ़ी भी उसने बहुत ही अच्छी बनाई थी। कॉफ़ी पीकर मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह कहने लगा, मैडम जी, हर एक को उसकी औकात में रखा करें, ताकि वह आपके सिर पर ना चढ़े। मैं उसकी बात समझी नहीं थी। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? तभी वह कहने लगा, नौकर को नौकर की हद में ही रहने दिया करें, और मैं अपनी औकात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इस तरह की बातें से उसने मेरे दिल में अपना एक अलग ही स्थान बना रखा दिया था। एक बार वह हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आज मेरे ऑफिस में बॉस की शादी के चलते आधे दिन की छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज उस किन्नर को और बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाऊं, उनके साथ वक्त गुजारेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे अपने ऑफिस के चक्कर में, मैंने बच्चों को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज ही करके रख दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं घर जाऊंगी तो मेरे होश उड़ जाएंगे। जैसे ही मैं घर पहुंची और मैंने डोरबेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बाहर खड़ी रही और बार बार दरवाजे की घंटी बजती रही, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आया था। पहली बार ऐसा हुआ था। वैसे तो वह किन्नर मेरी एक घंटी पर ही दरवाज़ा खोल देता था। अब तो मेरा जी घबराने लगा। मुझे अपना यह फैसला एकदम बहुत ही गलत लगा कि मैंने ताला लगाना छोड़ दिया था। मुझे ताला लगा कर ही जाना चाहिए था। मैंने क्यों उसे खुली छूट दे दी थी? एक के बाद एक मेरे दिल में बहुत ही बुरे ख्याल आने लगे थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। मैंने अब दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी तो जान निकलने लगी। मैंने बराबर वाले फ्लैट्स का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे उस किन्नर के बारे में पूछा, तभी वह कहने लगी कि 1 घंटा पहले मैंने उसे तुम्हारे बच्चों को बाहर ले जाते हुए देखा था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि वह उसे कहाँ लेकर गया है? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी वह कहने लगी, मुझे क्या पता, मैंने तो उसे बच्चों को पकड़े सीढ़ियों से उतरते हुए देखा था। अब बाहर वह कहाँ गया है, कहाँ नहीं, मैं नहीं जानती। फ़ौरन से सीढ़ियाँ उतरी, बाहर चौकीदार से पूछा, तभी वह कहने लगा, हाँ, मैंने उसे मेन गेट से बाहर जाते ही देखा था, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरी पूरी दुनिया मेरे बच्चे थे और वह इतने छोटे थे कि खुद से घर भी नहीं आ सकते थे, मुझे कुछ बता नहीं सकते थे। मैं तो रोने लगी थी। मेरी ज़िंदगी ही मेरे बच्चों पर निर्भर थी। मैं दीवानों की तरह सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी, कभी दाएं तरफ जाती तो कभी बाएं तरफ जाती, कभी किसी से पूछती तो कभी किसी से क्या। मेरे बच्चों को किसी ने देखा? सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। बच्चों को ढूंढने के चक्कर में मैं काफ़ी दूर तक निकल आई थी और अब तो शाम भी हो चुकी थी और अंधेरा छा गया था। मैं हार कर रोती हुई घर पहुंची। जैसे ही मैंने घंटी बजाई तो उस किन्नर ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मुझे रोता देखकर वह परेशान हो गया और कहने लगा, आज अब इतनी देर से आई हैं, ठीक तो हैं सब कुछ, और रो क्यों रही हैं? लेकिन मैं जिस कदर गुस्से में थी, मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर मार दिया और उसे गिरे बांध से पकड़कर
झंझट नहीं लगी। मैंने कहा, कहाँ ले गए थे तुम मेरे बच्चों को? मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जाते हो? मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मेरे ऐसे व्यवहार पर उसने फ़ौरन से मेरे हाथ पकड़े और मुझे घर के अंदर ले आया और दरवाज़ा बंद करके मुझे कहने लगा, आपको क्या हो गया है? आप हमेशा शाम को घर वापस आती हैं। मैं तो रोज़ बच्चों को पार्क में ले जाता हूँ। मैं तो पार्क में गया था। पार्क में जाकर बच्चे खुश हो जाते हैं। मुझे पता होता कि आप इतनी जल्दी आएंगी तो मैं कहीं भी नहीं जाता। मैंने कहा, तुम होते कौन हो बिना मेरी अनुमति के बच्चों को कहीं ले जाने वाले? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी उतरी थी। कहने लगा, आप ठीक कह रही हैं, मेरी गलती बस यही है कि मैंने आपको बताया नहीं। फिर कहने लगा, हम किन्नर भी इंसान होते हैं मैडम जी, हमारे सीने में भी दिल होता है। आपके बच्चों को 2 महीने से संभाल रहा हूँ, अब तो यह मुझे अपने बहन भाई जैसे लगने लगे हैं, इसलिए उनकी खुशी के खातिर उन्हें बाहर ले जाता हूँ। बेशक हमारा कोई सगा भी हमें अपने पास नहीं रखता, बेशक हमारी शादियाँ नहीं हो सकती, हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन दिल में बच्चों के लिए ममता का जज्बात ज़रूर रखते हैं। यह कहते हुए उसने अपने आंसू साफ किए थे। मेरा दिल यह देखकर दुखी सा हो गया था। शायद मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। एक बार मैंने देखा कि वह मेरी छोटी बेटी को बहुत गौर से देख रहा था। वह भी बेहद हसीन, आँखें बिल्कुल बादामी रंग की थी और बालों का रंग भी गोल्डन था। वह कोई जापानी गुड़िया लगती थी। एक बार मैंने देखा कि वह बड़ी अजीब अंदाज से मेरी बेटी को प्यार कर रहा था। कहने लगा, यह मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जी चाहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। फिर मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। मुझे लगा कि शायद मेरा देखने का अंदाज़ ही अलग है। वह तो मेरी बेटी को बहुत ही चाहता है। एक बार मैं बीमार सी हो गई थी तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मैं पूरी रात वह मेरे सिर पर पट्टियाँ रखता रहा। सुबह होते ही वह मुझसे कहने लगा, क्या आप मेरे साथ चलें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। मैं उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन हैरत का दूसरा झटका मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि वह मेरी गाड़ी बड़ी महारत से चला रहा था। वह मुझे एक अस्पताल में ले गया। मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो वह किसी लड़के से बात कर रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। जो बातें मैंने उनकी सुनी थी, मेरे तो होश उड़ कर रह गए थे। मैं वहीं से वापस लौट गई। सोचने लगी कि यह सब क्या है। मेरा दिमाग बिल्कुल सुनसा हो गया था। मैं वहीं डॉक्टर के दरवाजे पर खड़ी थी जब वह थोड़ी देर बाद मेरे पास आया और कहने लगा कि चलिए मैडम जी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ चलो। मैं घर वापस आई। पूरा दिन मैं बस उसकी बातों के बारे में ही सोचती रही जो वह उस लड़के से कह रहा था। जो मुझे हुआ वह एक वायरल बुखार था। फिर मेरा बाद बुखार उस किन्नर को भी हो गया। मैंने उसे कहा कि तुमने मेरी बीमारी में बहुत सेवा की है, इसीलिए ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही लेट जाओ। अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगी या तुम्हें दवा दे दूँगी। वह मेरी बात मान गया और मेरे ही बेड पर एक कोने में सो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, वह मेरे बेड से उठा और फिर उसने मेरी बेटी को उठाया और बाहर चला। वह उस दिन हॉस्पिटल में किसी लड़के से यही कह रहा था कि 2 दिन बाद ही तुम्हारा काम कर दूँगा। वह बच्ची बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें वह बच्ची ला कर दूँगा। उस बच्ची को तुम किसी भी बेऔलाद जोड़े को बेच सकते हो। तुम्हें उस बच्ची की कीमत लाखों में मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 2 लाख रुपए लूँगा। मैं नहीं जानती थी कि इतनी कम उम्र में वह लड़का इतना तेज निकलेगा। मैं पहले ही पुलिस को उसके इरादे से आगाह कर चुकी थी। जैसे ही वह मेरे फ्लैट के दरवाजे से बाहर निकला, सामने ही पुलिस को देखकर उसके चेहरे की हवा उड़ गई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी और मैं भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। मुझे देखकर वह परेशान सा हो गया। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे जज्बातों से खेलते रहे, कहते रहे कि तुम मेरे बच्चों को अपना समझते हो। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए एक बूढ़ी औरत को रख लिया जो कि विधवा और बेसहारा थी। मैं उसे वृद्ध आश्रम से लेकर आई थी और अब वही मेरे बच्चों की परवरिश कर रही थी। कई बार जो जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं है। वह लड़कर किन्नर था ही नहीं, वह एक शादी लड़का था जो ऐसे ही लोगों का भरोसा जीतकर उनके बच्चे किडनैप करके आगे बेच देता है। अब मैं भी यह सब बातें सोचती हूँ तो मेरी जान निकलने लगती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल VP वॉइस को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी में।